नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से ही विपक्ष हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे। अपराध को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव साथ में पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रही है। ट्विटर के माध्यम से और बयानों के जरिए लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहा है विपक्ष। इस बीच तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार में लूट, अपराध और हत्या की बहार है, क्योंकि अपराधियों को महाजंगल राज के महाराजा का संरक्षण प्राप्त है। राजद नेता ने अपने ट्वीट पर बिहार में हुए अपराधों की अलग अलग खबरों को साझा किया है और अखबार की कटिंग डाली है। तेजस्वी यादव ने जिन मुद्दों को उठाया है उसमें खगड़िया में पंचपति की हत्या के अलावा लूट, धमकी और चोरी की खबरों को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। इससे पहले मंगलवार को भी तेजस्वी यादव ने जंगल राज का मसला उठाया था और पीएम मोदी को ट्वीट किया था। तब तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि प्रधानमंत्री जी चंद दिन पहले ही चुनावी सभाओं में शायद आप इसी जंगल राज की कल्पना किया करते थे। बिहार में कानून व्यवस्था समाप्त हो, अपराधियों का गुंडा राज स्थापित हो गया है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज का महाराजा चुप है क्यों? गौरतलब है कि बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए की ओर से महागठबंधन पर कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे। यही कारण है कि अब जब इस तरह की घटनाएं बिहार में हो रही है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, नीतीश कुमार से जवाब मांग रहे हैं। साथ ही साथ अब बीजेपी, जी हां, बीजेपी से भी सवाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया गया और जवाब मांगा गया नीतीश कुमार से। तो तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है। नई सरकार की गठन हो चुकी है बिहार में, लेकिन सरकार पर जो विपक्ष का निशाना है वो लगातार जारी है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी कीजिएगा। धन्यवाद।